हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, जो कि आपकी IBO इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट 10 है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा जो मल्टीलेटरल था ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे WTO के बारे में कि WTO कहाँ से आया, क्यों आया। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज्ड बिटवीन 1947 टू 1985। इट वॉज क्लियर बाई द माइंड 1980s डेट अ मेजर रिव्यू एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ गैट वॉज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इनेबल इट कंटिन्यू टू सक्सेसफुल रेगुलेट द ग्लोबल मार्केट इन द 21st century। जब देखा गया कि आपका 1947 के बाद 1985 तक जो आपका वर्ल्ड ट्रेड था बहुत तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि बैरियर्स हट चुके थे, मॉडर्नाइजेशन हो चुकी थी आपकी, और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, बढ़ रही हैं, उनका एरिया बढ़ रहा है, उनका स्कोप बढ़ रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए कोई गवर्निंग बॉडी चाहिए जो उस पर कंट्रोल कर सके, उनके रूल रेगुलेशंस बना सके। तो उस टाइम हमारे पास क्या था, गैट था, जो कि एक एग्रीमेंट हुआ करता था उस टाइम पे। लेकिन अब वर्ल्ड ट्रेड एक छोटे लेवल से बढ़कर एक बहुत बड़े लेवल पे होने लगा था, डेवलप हो चुका था। तो अब सोचा गया कि अब उन्हें ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो इस ट्रेड को कंट्रोल कर सके। तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी गैट की, लास्ट कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं यूरी के राउंड, 1986 में हुई थी। इसमें बात कही गई थी कि हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो हमारे ट्रेड को रेगुलेट कर सके। और तभी आपका 1985 में या 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। नॉर्मली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि कैसी गवर्निंग बॉडी है जो आपके ट्रेड को रेगुलेट करती है। देख लेते हैं कि कोई भी चीज़ बनती है तो उसके कुछ काम होते हैं, या उसकी सोच के उसको डेवलप किया गया, स्कोप देख लेते हैं। द WTO इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ कॉमन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ ट्रेड रिलेशंस अमंग इट्स मेंबर रिलेटिंग टू द मल्टीलेटरल एंड प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम यूरे के राउंड। अब इसमें था कि आपको एक प्लेटफॉर्म, आपको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक ढांचा देना बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए। जब आप अदर कंट्री से ट्रेड करते हो, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि आप किस तरह करोगे, एक ढांचा होना चाहिए किसी चीज़ का। तो उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए WTO को बनाया गया। और WTO में नॉर्मल दो चीज़ की बात करी गई है, जो भी हमारे लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी गैट की, यूरी के कॉन्फ्रेंस, उसमें दो चीज़ों में हमारे ट्रेड को बांटा गया था, एक प्लूरीलेटरल और दूसरा था मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। जो हमारा टॉपिक है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, और इसी को हमें डीप में पढ़ना है। तो चलते हैं आगे कि जो WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी उनके बारे में देख लेते हैं, आज तक कौन कौन सी हुई है। 1996 सिंगापुर, 1998 जिनेवा, 1999 सिएटल, 2001 दोहा, 2003 कैनकन, 2005 हांगकांग, 2009 जेनेवा, 2011 जेनरा, 2013 बाली और 2017 ब्यूनोस। ये कुछ कॉन्फ्रेंसिस हैं जो WTO की हुई है आज तक, क्योंकि 1995 में बनी थी लेकिन इसकी पहली कॉन्फ्रेंस 1996 में हुई थी। अब देखते हैं कि WTO के फंक्शन क्या होते हैं। तो WTO प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन नेगोशिएशन अराइजिंग फ्रॉम द मल्टीलेटरल एंड प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट्स। जब आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो उसे एक तरह से एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है WTO, कि आपकी फ्रीडमली किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि एडमिनिस्ट्रेशन द न्यू डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीड्यूर इन सच अ मैनर टू रेगुलेट एंड एनश्योर मेंबर कंप्लायंस विद द एग्रीमेंट। अब आपको एक डिस्प्यूट सेटलमेंट आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि अगर आपका किसी के साथ डिस्प्यूट होता है किसी अदर कंट्री के साथ ट्रेड में, तो उसे कौन सॉल्व करेगा। तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, आपको एक काउंसिल दी, किसने, WTO ने। थर्ड आपका एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म टू स्टडी द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ मेंबर्स। अब थर्ड था एक डायरेक्ट पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म को डेवलप किया गया, कह सकते हैं हम एक इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया गया, एक मशीनरी वो डेवलप किया गया जिसके थ्रू आप हर कंट्रीज़ की ट्रेड पॉलिसीज़ को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और हर कंट्रीज़ को उनके बारे में हमें बताना होता है कि उनके ट्रेड पॉलिसी कैसी है या कैसी नहीं है, या बिजनेस को किस तरह इफेक्ट कर रही हैं। फोर्थ है कोऑपरेट एंड फुली एंड ऑन एन इक्वली फुटिंग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक फॉर द फर्दरेंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। अब WTO क्या करता है, जो आपका IMF है और वर्ल्ड बैंक है,
क्योंकि आपको पता है ये दोनों आपकी मेन मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल लेवल के। तो जब ये पॉलिसी बनाते हैं कोई, तो उसमें आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है पॉलिसी बनाने में। फिफ्थ, आपका रिसर्च एंड प्रोड्यूस बोथ स्पेशलाइज्ड एंड जनरल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट। अब जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप, हो सकता है कि आपने कुछ रिसर्च करी हो, या आप स्पेशलाइज्ड हो, या ऐसा कोई भी डाटा जो WTO कलेक्ट करता है ट्रेड्स के थ्रू, या कह सकते हैं हम मल्टीलेटरल हो चाहे ट्रेड, चाहे प्लूरीलेटरल हो, या कोई रिसर्च करी है, तो उन सबको पब्लिश करने का काम भी WTO करता है। अब देखते हैं कि WTO का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो WTO में जो एकदम कह सकते हैं हेड अथॉरिटी होती है, वो होती है आपकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, WTO इज डोमिनेटेड बाय इट्स हाईएस्ट अथॉरिटी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। सबसे हेड लेवल पे सबसे ऊपर होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब डे बाय डे एक्टिविटीज इज मैनेज्ड बाय नंबर ऑफ सब्सिडरी बॉडी विच इंक्लूड्स द जनरल काउंसिल। अब ये तो है नहीं कि सारे काम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ही करेगा, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो तो आपका हेड या बॉस तो एक होता है, लेकिन उसके नीचे हर डिपार्टमेंट वाइज वो सुपरवाइजर्स रखते हैं या मैनेजर्स रखते हैं जो हर डिपार्टमेंट को संभालते हैं। उसी तरह WTO के अंदर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को डाटा देने के लिए, उन्हें इंफॉर्मेशन देने के लिए, या इन किसी भी काम के लिए उनके नीचे काम करती है जनरल काउंसिल। पहले सबसे ऊपर आ गई मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे आ गई जनरल काउंसिल। देखते हैं, जनरल काउंसिल डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द 3 अदर मेजर बॉडीज। अब जनरल काउंसिल क्या करती है, 3 नेमली बॉडीज पे काम करती है। जो मेन काम है इसका, कि पहली काउंसिल होती है इसकी हमारी ट्रेड इन गुड्स, मतलब काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, दूसरी हमारी काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, तीसरी हमारी काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जब आप कोई बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आप इन्हीं 3 चीज़ों में करते हैं, या तो आप गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, या सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, या तीसरा है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि आप कह सकते हैं कॉपीराइट, पेटेंट राइट, इन सब के बारे में। तो ये 3 काउंसिल हैं जो अलग अलग ट्रेड को रेगुलेट करती हैं, उनको देखती हैं, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट होता है तो उन्हें सेटलमेंट करती हैं। These 3 bodies are established by the Ministerial Conference and report of the General Council. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले Ministerial Conference, उसके बाद General Council, और उसके अंदर ही हमारी Council बनी है सारी। तो ये किस बिहाफ से बनाई गई थी तीनों Councils, ये Trade Councils या Services या आपकी Intellectual, तो Ministerial Conference और आपकी General Council की report के बाद बनाया गया था इन्हें। अब हम देखते हैं कि WTO और GATT, जो हमारे पास पहले हमारे पास GATT था जिसे हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और अब जो हमारे पास है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा क्या था कि हमें GATT को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बदलना पड़ा, या लेकिन जब हमारे पास पुरानी कोई चीज़ थी तो हमें उसे हटाया क्यों, तो इनमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो पहला है नेचर है कि जो GATT था आपका, एक तरह से कि एग्रीमेंट था, प्रोविजनल था, एक एडहॉक था, ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं थी। WTO क्या है, WTO इज अ एग्रीमेंट आर परमानेंट। अब जो WTO एक पहली बात एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये परमानेंट है, इसके जो एग्रीमेंट होते हैं परमानेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन GATT में प्रोविजनल हुआ करते हैं या एडहॉक हुआ करते हैं। जो GATT में कंट्रीज थी वो सिर्फ 22 कंट्रीज थी, और WTO में करंटली 164 नेशंस इस टाइम इंक्लूड है। तो देख सकते हैं मेंबर्स में भी GATT जो कह सकते हैं बहुत एक लिमिटेड कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट था, लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर 164 नेशंस है, जो कह सकते हैं आपकी ओवरऑल वर्ल्ड का 80-90% नेशन इसके साथ जुड़े हुए हैं। डोमेस्टिकेशन में देख लेते हैं कि GATT अलाउड एक्जिस्टिंग डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। GATT में क्या था, आप कोई भी कंट्री ट्रेड करती थी तो वो GATT में ये नहीं था कि किसी कंट्री का रूल फॉलो नहीं हो गया, वहाँ के लेजिस्लेशन काम नहीं करेगा। GATT में था कि आपका कंट्री का रूल है, ठीक है, वो भी आप अलाउ कर सकते हैं ट्रेड के अंदर, उन्हें ख़त्म नहीं करता था GATT। लेकिन WTO में क्या है, WTO के अंदर अगर आप उसके पार्टनर हैं, सिग्नेटरी हैं, अगर आप उसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके पर्सनल कोई रूल्स, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशन काम नहीं करता। अगर आपका कोई डिस्प्यूट भी होता है तो वो सब कुछ कौन सॉल्व करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं के रूल्स होते हैं, इन्हीं के रेगुलेशंस होते हैं। अब GATT क्या था, GATT में जो था डिस्प्यूट सेटलमेंट कह सकते हैं वीक था, स्लो था, क्योंकि जब कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, एक टेम्परेरी बेस पे काम कर रही है, तो अपने आप बात है कि वो वीक होगी और स्लो भी होगी। लेकिन अब WTO के ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नेशन के साथ जुड़ चुके हैं, जब किसी की नंबर बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लेगा एक, तो अपने आप वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक दो से नहीं मिलकर बना, बल्कि 164 नेशंस के साथ मिलकर बना है।
तो उसकी जो डिस्प्यूट सेटलमेंट की एफिशिएंटी थी या एफिशिएंट था जिस चीज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा ब्लॉकिंग ऑफ डिसीजंस। अब जब कोई चीज़ वीक है तो आप ज़रूरी नहीं कि आप उसके डिसीजंस को मानो या ना मानो, कोई नहीं मानेगा अगर कोई इंसान वीक है। तो वैसा गैट के साथ था, लेकिन जब WTO आया तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो इसके जितने भी डिसीजंस हुआ करते सेटलमेंट्स के, उनको सबको मानना पड़ा करता था, इसे कोई ब्लॉक या मना नहीं कर सकता। अब गैट था, गैट में सिर्फ हम गुड्स की बात क्या करते, मतलब इसके अंदर जो ट्रेड था एग्रीमेंट सिर्फ गुड्स से रिलेटेड हुआ करता, लेकिन जो WTO आया यहाँ पर गुड्स सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह सकते हैं जो मॉडर्न ट्रेड था उसको एक नई राह देने के लिए WTO को बनाना पड़ा या इसे डेवलप करना पड़ा गैट से में। अब आगे देखते हैं, अब WTO आया जहाँ से था यूरे के राउंड, जो कि हमारा लास्ट कॉन्फ्रेंस थी गैट की। तो इसके कुछ मेजर रोल्स थे उस यूरे के राउंड में, क्या क्या हमने कह सकते हैं, क्या डिसीजंस लिए गए या आगे किस तरह ट्रेड किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है टू अचीव फर्दर लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ एंड अदर बैरियर्स ऑफ ट्रेड या बैरियर्स टू ट्रेड। इसमें कहा गया कि हम अपने जो ट्रेड को आज़ादी देंगे या फ्रीडम देंगे ट्रेड को, एक्सपोर्ट को, इम्पोर्ट को, किस तरह टैरिफ्स को कम करके और बैरियर्स को हटा के। जब कोई कंट्रीज बैरियर नहीं लगाएगी और टैरिफ्स को, अगर बहुत ज़्यादा टैरिफ है तो उसे एक लिमिट में टैरिफ सेट करनी पड़ेगी। सेकंड है आपका कि टू प्रॉपरली रिफ्लेक्ट द मॉडर्न डेवलपमेंट इन वर्ल्ड ट्रेड बाय इंक्लूडिंग द गैट नेगोशिएशन फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रेड इन सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन। अब पहली बार ऐसा था कि गैट के अंदर आपके इस एग्रीमेंट में बात करी गई कि अब हम सिर्फ गुड्स को ना देख कर, क्योंकि हम मॉडर्न हो चुके हैं, हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, तो हम सर्विसेज को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड करेंगे और हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्शन देंगे। थर्ड है हमारा कि अब जो था कि टू ब्रिंग एंड टू एग्जेम्पशन ऑफ द गैट रूल सच एज दोज ग्रांटेड टू द एग्रीकल्चर क्लोथिंग टेक्सटाइल सेक्टर्स एंड सो ऑन रीसबमिट देम टू गैट डिसेबल। इससे पहले क्या था कि आपका जो एग्रीकल्चर और क्लोथिंग सेक्टर था इसको गैट से बाहर रखा गया था, क्योंकि नॉर्मल एग्रीकल्चर या क्लोथिंग कौन सी इंडस्ट्रीज कर रही थी, कौन सी कंट्रीज, क्योंकि जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज थी वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफिशियंट थी। लेकिन कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसमें दबदबा उसी का होता है जो उस टाइम पर डोमिनेंट होता है, और जब गैट बना था तो उस टाइम पर US उस टाइम पर डेवलप्ड हो चुका था और उनके रेस्ट्रिक्शंस की वजह से गैट में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जब यूरे के राउंड आया तो इसमें क्लियर आ गया कि अब क्लॉथ्स टेक्सटाइल सेक्टर्स को भी गैट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और इनके ऊपर जो अभी तक रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे एक्सपोर्ट्स रिलेटेड वो सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है टू फ्रेज आउट वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स अगेंस्ट और VER वेयर बाई वन कंट्री एग्री टू लिमिट इट्स एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री एट अ प्रीसेट लेवल। Compliance of such arrangement with GATT has always been long tolerated by GATT due to economic and social significance of the sector concerned. अब कई कंट्रीज है कि अगर उनके पास हम ये तो है कि हमने मना नहीं कर सकते इम्पोर्ट के लिए, अगर तुम इम्पोर्ट के लिए मना नहीं कर रहे हो तो दूसरी कंट्री लिमिट से ज़्यादा आपकी कंट्री में इम्पोर्ट्स करती है अपने गुड्स का, एक्सपोर्ट करती है, तो हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री है या कह सकते डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो सारी उसके इफेक्टेड होती है। तो इस कंडीशंस में हम वहाँ पर उन पर कह सकते हैं कि रिस्ट्रेंट्स लगा सकते थे या वहाँ पर बैरियर लगा सकते थे, उन्हें रोक सकते थे, एक लिमिट में तय कर सकते थे कि तुम इससे ज़्यादा हमारे पास अब एक्सपोर्ट हमारी कंट्री में नहीं करोगे। फिफ्थ पॉइंट हमारा टू इम्प्रूव एंड स्ट्रेटन द गैट डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीडियर इन ऑर्डर टू एंश्योर अप्लीकेशन ऑफ गैट रूल्स एंड थस रेंडर इट इफेक्टिव एंड क्रेडिबल। तो अब इनका जो गैट में था इससे पहले जिनका जो कह सकते हैं हम कि बहुत वीक था डिसीजन मेकिंग में या सेटलमेंट में या डिस्प्यूट्स में, अब जो गैट था इस राउंड के बाद ये किया गया कि हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है, हमें नए रूल्स की ज़रूरत है जिससे कि हम अपने इसको इफेक्टिव बना सके डिसीजंस को या डिस्प्यूट सेटलमेंट्स को। तो देखते हैं कि जो यूरे के राउंड था इसमें टोटली दो तरह के एग्रीमेंट्स पे बात करी गई, एक होता है आपका मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, दूसरा होता है प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट। तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट क्या होता है कि इसमें हर कंट्री अगर है तो कंपलसरी है, अगर आपने WTO को साइन कर रखा है तो आपके ऊपर ये रूल्स एग्रीमेंट अप्लाई होंगे, लगेंगे कि आपको इन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट्स की बात करें तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री उसे फॉलो करे, उसे माने या उसका हिस्सा बने, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता था कंट्रीज़ पर कि वो उसे मानती हैं या नहीं मानती।
तो टोटल हम देख सकते हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में 16 एग्रीमेंट्स थे और प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट्स में 4 एग्रीमेंट्स हैं। तो हम इन्हें वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहला एग्रीमेंट था हमारा एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर में क्या हुआ, टू अचीव लिबरलाइजेशन इन एग्रीकल्चर ट्रेड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो रीच्ड ड्यूरिंग मल्टीनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन रिजल्टिंग इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO इन 1995। एग्रीकल्चर सेक्टर वर हाईली प्रोटेक्टेड इन डेवलप्ड नेशन। जैसा मैंने आपको पिछले अभी बताया था कि आपका जो उस टाइम पे डेवलप्ड नेशंस थे या US जैसी कंट्रीज थी, उन्होंने क्या कर रखा था कि एग्रीकल्चर था या आपका टेक्सटाइल था या आपका क्लॉथिंग था, इन सभी के एक्सपोर्ट को बहुत सिक्योर कर रखा था, प्रोटेक्ट कर रखा था अपनी कंट्री को अदर कंट्रीज के एक्सपोर्ट से। लेकिन जब मल्टीलेटरल एग्रीमेंट आया तो इन्होंने क्या किया कि अभी तक आपने इसको टैरिफ से रोक रखा था या अपनी आप खुद की कंट्रीज़ के डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट ही आया कि अब हर प्रोडक्ट को, हर कंट्री के प्रोडक्ट को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो इस एग्रीमेंट में कहे गए एग्रीकल्चर के हिसाब से। तो पहला टैरिफिकेशन, रिमूव ऑल नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड कन्वर्ट इनटू टैरिफ। अभी तरह से था कि उन्होंने टैरिफ बैरियर्स तो नहीं लगाए कि कस्टम ड्यूटीज़ या इंपोर्ट ड्यूटी तो नहीं लगाई आपके प्रोडक्ट पे, लेकिन आपके प्रोडक्ट को कह दिया कि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है या फिर आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है या आप लेबर इंसेंटिव्स आपके प्रोडक्ट हम इस तरह आपको नहीं इंपोर्ट कर सकते अपनी कंट्री में। तो इसमें क्या गया एग्रीमेंट पे कि अब आप किसी कंट्री को नॉन टैरिफ बैरियर्स के हिसाब से रोक नहीं सकते। अगर आप करना है तो आप सिर्फ टैरिफ लगा सकते हैं उनके ऊपर, उनकी जगह जो आपने नॉन टैरिफ लगाए थे, लेकिन वो भी एक लिमिट में, एक लेवल दे दिया टैरिफ का कि आप इससे ज़्यादा टैरिफ अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है डोमेस्टिक सपोर्ट। अब जैसा कि देख सकते हैं कि अगर कोई कंट्री है वहाँ पर जो बिजनेसमैन हैं या हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, तो कंट्रीज़ क्या करती थी कि अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सपोर्ट करती थी इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए या फार्मर्स को सपोर्ट करती थी कि अगर आप तुम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हो तो हम तुम्हें इतनी सब्सिडी देंगे या फिर तुम्हें हम उस लेवल के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब बहुत सारे हेल्प किए जाया करते जो कि इंडियन होम कंट्री प्रोडक्ट और अदर कंट्री प्रोडक्ट को एक दूसरे अलग कर देते थे या उनमें डिस्क्रिमिनेशन करते थे क्लास, ये कि दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट है तो इस पे हाँ हम अलग व्यवहार करेंगे हमारे प्रोडक्ट के साथ अलग। तो इसमें वो चीज़ बिल्कुल मना कर दी गई कि अब आप उन्हें कोई इस तरह से हेल्प नहीं करोगे जो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट और फॉरन प्रोडक्ट को अलग करें। तीसरा आपका रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। इसमें क्या गया कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ टू बी रिड्यूस्ड। अब एक्सपोर्ट जब हम क्या कहते थे कि आप किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करो, अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी वो कंट्री क्या करती थी कि उसको सब्सिडी देके, जैसे मान सकते हैं आप किसी कंपनी ने 80 का प्रोडक्ट बनाया और दूसरी कंट्री में उसे एक्सपोर्ट करना है, तो वो कहती है कि मैं इसे 100 से कम एक्सपोर्ट नहीं करूँगी, लेकिन अदर कंट्रीज़ में वो प्रोडक्ट 80 रुपये का है, तो आप अगर वहाँ एक्सपोर्ट करते हो तो आपका परचेज नहीं होएगा या आपका प्रोडक्ट वहाँ पर बिकेगा नहीं। तो आप गवर्नमेंट क्या करती थी, 20 रुपये वो आपको देकर बोलती आप वहाँ 80 में एक्सपोर्ट करो उस प्रोडक्ट को, 20 रुपये जो आपका लॉस हो रहा है वो हम देंगे आपको। तो इस तरह एक्सपोर्ट बढ़ा रहे थे वो अपना, क्योंकि जब एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तभी उनके पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था। तो इस चीज़ को भी ख़त्म किया गया। फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस टैरिफ। अब जो नई टैरिफ पॉलिसी आई थी, नया एग्रीकल्चर एग्रीमेंट हुआ था, इसमें जो आपकी पुरानी जितनी भी पॉलिसीज थी टैरिफ के रेट्स थे उन सभी को कम कर दिया गया कंपैरिजन टू ओल्ड टैरिफ्स। तो इसमें आप चार पॉइंट्स है, टैरिफिकेशन, जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स थे उनको हटा दिया गया, उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया टैरिफ में। दूसरा डोमेस्टिक सपोर्ट को ख़त्म कर दिया गया। तीसरा रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडीज, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको अब कोई सब्सिडीज नहीं देगी आपकी गवर्नमेंट। फोर्थ आपका रिड्यूस टैरिफ, अभी तक आप जितने टैरिफ लगा रहे थे अब आप अपनी मर्जी से टैरिफ नहीं लगा सकते, उसका एक फिक्स परसेंटेज दे दिया इन्होंने। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के अंदर। दूसरा देखते हैं सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। इसमें क्या कहा इन्होंने कि इंट्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ हाई स्टैंडर्ड बाय मेंबर स्टेट कैन बी जस्टिफाइड ऑन, अगर अब कोई कंट्री है वो दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को अपने कंट्री में मना करती है कि हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे या हम उसको बैरियर लगाते हैं, तो उन्हें रीज़न देना पड़ेगा, साइंटिफिक ग्राउंड्स पर कोई जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप उसे क्यों मना कर रहे हो अपनी कंट्री में। हो सकता है कि वो कोई रीज़न दे, लेकिन वो एक जस्टिफाई होना चाहिए, एक साइंटिफिक होना चाहिए, ये नहीं कि आप कोई भी रीज़न दे दो कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है तो क्यों अच्छा नहीं है, आपको वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एन ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी हैज़ बीन एस्टेब्लिश, ट्रांसपेरेंसी को इसमें ला दिया गया कि अगर आप कुछ भी
किसी को बैन करते हो, बैरियर्स लगाते हो, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने क्यों बैरियर लगाया, या आपने अगर लगाया भी है तो इसका प्रोसीजर क्या है और आपने किस किस प्रोडक्ट पे लगाया है। मतलब पूरा ट्रांसपेरेंसी कर दी गई थी इस चीज़ के अंदर कि अगर आप कोई बैरियर लगाते हो, ट्रेड करते हो, तो उसको हर चीज़ पब्लिश करनी पड़ेगी। थर्ड हमारा, ऑल कंट्रीज मेंटेन टू एंश्योर डेट फूड इज सेफ फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीज अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें यह भी कहा गया कि अभी तक आपके पास था कि हो सकता है आपको जो दूसरी कंट्री ट्रेड एक्सपोर्ट कर रही हो प्रोडक्ट्स का, आप इंपोर्ट कर रहे हो, वो हो सकता है कि आपके लिए कंज्यूमर्स के लिए अच्छा ना हो, तो आप उसे थोड़ा भी मना कर सकते हैं। या आपके लिए सबसे पहले इसमें क्या दिया गया, आप एक राइट दे दिए गए कि आप अपने कंज्यूमर्स की सेफ्टी को देख सकते हैं, आपकी कंट्रीज में जो प्रोडक्ट आ रहा है उसे कोई डिजीजेस ना फैलें, या आपके प्लांट्स और एनिमल्स पे इफेक्ट ना पड़े उस ट्रेड का। और फोर्थ पॉइंट था हमारा, इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम डिजीज फ्री एरिया। और आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो किस कंट्री से आ रहा है, किस एरिया से आ रहा है। हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट आता हो किसी ऐसी एरिया से आ रहा हो, ऐसी कंट्री से आ रहा हो, जहाँ पर उस टाइम पर कह सकते हैं कोई बीमारी फैल रखी हो, महामारी फैल रखी हो, तो वो आपकी कंट्री में भी आएगी। तो इस तरह भी आप उसे रोक सकते थे या वहाँ पर रोक लगा सकते थे उस कंट्री के प्रोडक्ट को। तो इसमें देखा आपने कि अगर आप किसी को मना करते हो अपने साथ ट्रेड करने के लिए, या उसके प्रोडक्ट पे बैरियर्स लगाते हो, तो आपको उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और आप अगर कुछ भी करते हो तो आपको उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि आपने क्यों किया, कैसे किया, या किस किस रीज़न से किया, आपको पूरा पब्लिश करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ भी कर लो ना बताओ उसे, तो ये WTO के अंदर नहीं हो सकता। तीसरा है आपका कि अब आपने कंज्यूमर्स की सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको वही प्रोडक्ट दिया जाए, या आप उन्हीं प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में इंपोर्ट करें जो कि आपके कंज्यूमर्स के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा हो। फोर्थ आपका कि इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। तो नॉर्मली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले गेट के लास्ट राउंड से टेक्सटाइल और क्लोथिंग इंडस्ट्री को गैट में शामिल नहीं किया गया था, और या फिर यूँ कहे कि इनके ट्रेड से रिलेटेड कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इनके ऊपर बैरियर्स लगा रखे थे कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ में जाके अपना एक्सपोर्ट ना कर सकें। लेकिन जब हमारा टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग एग्रीमेंट आया यूरी राउंड के अंदर, तो इसमें यही बात कही गई कि द बेसिक एम ऑफ द एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इज़ टू सिक्योर द रिमूवल ऑफ रेस्ट्रेंट्स currently applied by some developed countries to import of textiles and clothing। मतलब अब कुछ जो डेवलप्ड कंट्री थी उन्होंने जो टेक्सटाइल्स पे अपने सिक्योरिटी लगा रखी थी, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी इम्पोर्ट की, उसे हटाना था या उस चीज़ को ख़त्म करना था। एट दिस एंड ऑफ द एग्रीमेंट आउट प्रोसीड्यूर्स फॉर इंटरग्रेटिंग द ट्रेडिंग इन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग फुली इन टू द गेट सिस्टम बाई द रिक्वायर कंट्रीज रिमूव द रिस्ट्रेंट्स इन फोर स्टेजेस। अब इसमें इन्होंने बात करी है कि आपका जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा था जितनी भी कंट्रीज ने, उन्हें चार स्टेजेस दी गई कि आपको हम चार स्टेज कर दे रहे हैं, आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आपको इन चार स्टेज के अंदर, या कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड था हर स्टेज के अंदर, उसके अंदर आपको अपना टोटल रेस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा। और 1 जनवरी 2005 को आपका जो टोटल रेस्ट्रिक्शन था आपका टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग रिलेटेड, वो इस तरह से हट गया था ओवरऑल वर्ल्ड या WTO की मेंबर कंट्रीज में। थर्ड हमारा, द फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल अंडर द इंटीग्रेशन प्रोसीड्यूर्स हैज हाउएवर इनेबल कंट्री टू रिमूव रेस्ट्रिक्शंस इन द फर्स्ट टू स्टेज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अब इनके जो, जैसे हमने चार, इन्होंने कहे थे कि आपको चार बार ऑप्शन दिया गया, चार स्टेजेस दी गई थी कि आपको सारा अपना अब हटा देना है रेस्ट्रिक्शन। तो आपका जो स्टार्टिंग में दो हमारे थे उनके अंदर सिर्फ एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स को ही फोकस किया गया था कि आपको इनके अंदर से अपनी जो टैरिफ है, आपके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो हटाने पड़ेंगे। अब चलते हैं दूसरी पे कि टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। देखते हैं कि द न्यू अरेंजमेंट एक्सेप्ट डेट ऑल कंट्री हैव द राइट टू इंट्रोड्यूस सच रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स एज दे कंसीडर नेसेसरी इन ऑर्डर टू एंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। आल्सो इम्पोर्टेंट टू इंश्योर डेट द टेक्निकल रेगुलेशन डू नॉट रेगुलेटरी क्रिएट अननेसेसरी बैरियर्स।
अब इसमें क्या क्या टेक्निकल बैरियर्स हैं कि आपने बैरियर्स तो लगा दिए, अब ठीक है, लेकिन आप कोई ऐसा बैरियर्स नहीं लगा सकते कि जो लीगली हो ही ना, या रियलिटी में वो अनफेयर हो या अननेसेसरी हो। आप बोल दो कि इस कंट्री का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या इससे हमारी कंट्री के लोगों, कंज्यूमर का हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या हमारे एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं, तो आप बैरियर्स लगा दो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें हर चीज़ आपको देनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी कि आप किस बिहाफ पे या किस टेक्निकल रेगुलेशंस पे ये बैरियर्स लगा रहे थे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स कवर किए गए हमारे, दे कवर ऑल प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल, मतलब इसके अंदर आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, क्योंकि प्रोडक्ट होता क्या आपका, या तो एग्रीकल्चर होगा या इंडस्ट्रियल होगा, सारे प्रोडक्ट इसके अंदर आते थे। अप्लाइंग कंट्री जस्टिफाइंग द रीज़न द अडॉप्ट टेक्निकल बैरियर्स, उन्हें बताना पड़ेगा कि अगर उन्होंने कोई टेक्निकल बैरियर्स लगाया है तो क्यों लगाया है। स्टेट शुड ट्राई टू एक्सेप्ट इक्विवेलेंट टेक्निकल रेगुलेशंस टू अदर मेंबर्स, और जिस तरह आप अपनी कंट्रीज में टेक्निकल बैरियर्स लगा रहे हैं, उसी तरह जब अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज वो टेक्निकल बैरियर्स लगाएंगे, तो आपको उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप अगर एस्टेब्लिश अ कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कंट्री बैरियर लगा रही, उसको कह सकते हैं जांच कौन करेगा, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, एस्टेब्लिश अ कमेटी ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, जो देखेगी कि आपने बैरियर लगाया है, किस बिहाफ पे लगाया है, और लगाया भी है तो उसका जो रीज़न है वो साइंटिफिक है या नहीं है। कोई आपने ये तो नहीं है कि आपने कोई अननेसेसरी बैरियर्स लगा दिया हो अदर कंट्रीज के ट्रेड पे। नोटिफाई अदर मेंबर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स कवर्ड बाय द रेगुलेशंस, आपने अगर कोई नया रूल्स बनाया है, रेगुलेशंस बनाया है अपनी कंट्री में, तो आपको हर कंट्री को, हर मेंबर्स को उसके बारे में बताना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट किस किस रूल्स, किस किस प्रोडक्ट को कवर करता है और किस तरह करता है। और आप जब कोई चेंजमेंट करते हो अपने कंट्री में, तो उसकी आपको कुछ कॉपीज WTO को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसके बाद कि वो हर कंट्री को पब्लिश कर सके, उन्हें बता सके कि इस कंट्री के इस टेक्निकल बैरियर्स में उन्होंने ये चेंज करे हैं, या टेक्निकल बैरियर्स लगाए हैं। तो नॉर्मली यही है कि टेक्निकल बैरियर्स में अगर आप कोई बैरियर्स लगाते हो, तो सबसे पहले आपको अदर कंट्रीज़ को बताना पड़ेगा उसके बारे में, किस बिहाफ पे लगाए, वो जस्टिफाई करना पड़ेगा, और उसकी आपको कुछ टाइम में आपको एक कॉपी देनी पड़ती है WTO को या अदर मेंबर्स को, कि जिससे उन्हें पता लग सके कि अब वो किस प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इसे हम ट्रिम भी कहते हैं। तो मैंने इसमें तीन लाइनों को कट कर रखा है। फर्स्ट हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कंट्री, सेकंड हमारा एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट, और थर्ड हमारा सेल्स ऑफ गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इजेंशियल। तो WTO या यूरी के एग्रीमेंट से पहले क्या था, अगर आप किसी कंट्री में जाते हो, वहाँ पर ट्रेड करते हो, तो आपके साथ कंपलसरी था कि आप वहाँ जो रॉ मटेरियल यूज़ करोगे अपने प्रोडक्ट में, वो उसी कंट्री से होना चाहिए। वहाँ पर आप फिर जितना एक्सपोर्ट करते हो, आपका इम्पोर्ट उसके बराबर होना चाहिए। वो थर्ड पोर्शन था आपका कि सेल्स ऑफ गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इज इजेंशियल, अगर आप किसी कंट्री में जाके मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो ये नहीं हो सकता कि आप टोटल यूनिट को ही एक्सपोर्ट करो, आपको उस कंट्री में भी सेल करना पड़ेगा। तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स में इन तीनों पोजिशंस को या तीनों पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया गया था, वो सारी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था कि आप जिस कंट्री में जाओ जितना एक्सपोर्ट कर सकते हो, बेशक आप इम्पोर्ट करो या ना करो, आप अगर किसी कंट्री में अपना प्रोडक्शन कर रहे हो, तो बेशक आप पूरा की पूरी यूनिट को एक्सपोर्ट करो, टोटल उसी कंट्री में सेल करो, और आप अगर कहीं भी अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रॉ मटेरियल उसी कंट्री से लो। इसमें कुछ टाइम पीरियड दिया गया कंट्रीज़ को कि वो इन सभी बैरियर्स को कुछ कितने टाइम में हटा दें। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को दिया गया था 2 साल का टाइम, डेवलपिंग कंट्रीज़ को 5 ईयर्स का टाइम, एंड जो बहुत कम डेवलपिंग थी उन्हें 7 साल का टाइम दिया गया। इस टाइम के पीरियड आप ये सारे रेस्ट्रिक्शंस, इन रूल्स को अपनी कंट्री से हटा दो। हम दूसरा देखते हैं एंटी डंपिंग। तो सबसे पहले डंपिंग होता क्या है कि हो सकता है आपकी इंडिया में, कंट्री में कोई प्रोडक्ट इस टाइम डिमांड ना हो, और हो सकता है वो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट था, लेकिन आपकी कंट्री में डिमांड ही नहीं है उसकी, या ख़राब हो चुका है वो आपका प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, उसे किसी दूसरी कंट्री में 100 के मुकाबले शायद 70 में 80 में बेच दें। तो ये होता है एंटी डंपिंग। एक तरह से हम अपने प्रोडक्ट को बेच फेंक ही तो रहे हैं उनके पास, या कह सकते हैं हमारे पास तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास उसका, वो हमारे काम का नहीं है, हमारे पास उसकी नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम अदर कंट्रीज़ में कम दाम में दे देते हैं, तो वही होता है हमारा डंपिंग। तो इसमें हम देख लेते हैं,
द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रीमेंट इज टू प्रोवाइड द राइट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू अप्लाई एंटी डंपिंग मेजर्स। हो सकता है कि आपकी कंट्री में कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज का हो, कोई दूसरी कंट्री आपकी कंट्री में सेम प्रोडक्ट को 70 रुपीज पे सेल करे, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसकी कॉस्टिंग तो उसकी कंट्री में 100 रुपीज थी, लेकिन आपकी कंट्री में वो 70 का सेल कर रहा है, और आपकी कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, वो उसे 100 रुपीज़ में सेल करेंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उतनी है। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो सस्ता मिलेगा आप उसी को खरीदोगे, मतलब आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की तरह से फिर डाउन हो जाएगी, और जो फॉरन की कंट्री आपकी कंट्री में प्रोडक्ट बेच रही थी 30 रुपीज़ लॉस पे, वो पूरा मार्केट एक्वायर कर लेगी। तो इस तरह के जब कुछ केसेस होने लगे तो उनके अगेंस्ट आया था हमारा एंटी डंपिंग रूल, एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। इसके अंदर अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को कम रेट पर, जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे भी कम रेट पर बेचती है, तो उसके ऊपर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, जिससे कि उस प्राइस को फिर से बराबर किया जा सके। अब ये लगाते कैसे वो देख लीजिए, जैसे इंडिया और हम अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका का कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, लेकिन वो इंडिया में ला के उसे 70 रुपीज़ में बेच रहे हैं। तुम्हारी गवर्नमेंट क्या करेगी कि दोनों के प्राइस कंपेयर करेगी कि वहाँ पर वो 100 का था और इंडिया में आके वो 70 का बेच रहे, जो 30 का डिफरेंस था 30 एडिशनल प्राइस उस पर ऐड करके इंडिया में फिर वो 100 रुपीज़ का ही हो जाएगा। तो ये होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। लेकिन लगाने से पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन्हें जस्टिफाई करना होता है और क्लियर करना होता है कि वो फैक्टर्स को फुलफिल कर रहे हैं फैक्टर या नहीं। अब पहला पॉइंट होता है कि एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट इज चीपर कंपेयर टू देयर रियल प्राइस। जैसा मैंने आपको बताया कि उसका जो रियल प्राइस हो उससे सस्ता होना चाहिए। इट इज़ बिकम एन इंजर्ड ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। सीधी सी बात है, कोई सस्ता प्रोडक्ट आपकी कंट्री में बेचेगा तो आपकी जो डोमेस्टिक नीड है, इंडस्ट्रीज हैं, वो तो अपने आप बर्बाद होंगी या इंजर्ड हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट, देयर इज़ अ लिंक बिटवीन इंजर्ड एंड डंप। और तीसरे में देखेंगे कि जो इंजरी हुई है आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, क्या वो उसके डंपिंग की वजह से ही हुई है। अगर ये तीनों फैक्टर्स हो जाते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग टैक्स लगा सकती है। सेकंड, नेक्स्ट आता है हमारा कस्टम्स वैल्यूएशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कस्टम होता क्या है, आपने सुना भी होगा कि कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी या कस्टम डिपार्टमेंट। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पहले एक डिपार्टमेंट होता है या एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की टोटल वैल्यू को चेक करता है और आप क्या भेज रहे हैं उस, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स आता है। सीधी सी बात है, आपकी कोई का प्रोडक्शन करा है और बिना गवर्नमेंट को बताए उसे अदर कंट्रीज में सेल कर दो, तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट कहाँ से होएगा। एक तरह से गवर्नमेंट अपने मॉनेटरी वैल्यूज़ को पता करने के लिए आपने कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू क्या है, उसके लिए होता है कस्टम वैल्यूएशन। द एग्रीमेंट ऑफ ऑन कस्टम वैल्यूएशन एंश्योर्स दैट द कस्टम ड्यूटी इज़ नॉट सो हैवी। इसमें ये भी देखा जाएगा कि अभी तक आप कितना कस्टम टैक्स लगा रहे थे, कस्टम ड्यूटी वो पहले नहीं थी फिक्स हमारे यूरी के राउंड से पहले, लेकिन यूरी के राउंड के अंदर बात करी गई कि आप जो कस्टम वैल्यूएशन या कस्टम ड्यूटी लगाओगे प्रोडक्ट्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगी। एक लिमिट तय कर दी गई उसकी भी कि आप सिर्फ 10% या 20% तक लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे हमें ये भी पता लगता है कस्टम वैल्यूएशन से कि कौन सी कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कितना इंपोर्ट कर रही है, उसकी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है, वैल्यू है। और फोर्थ पॉइंट है, एस्टेब्लिश अ कमेटी ऑन कस्टम्स वैल्यूएशन टू ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन और द एग्रीमेंट। और इसमें भी एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑन कस्टम्स वैल्यूएशन, जो कि आप ओवरसीज कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड इसके एडमिनिस्ट्रेशन को और एग्रीमेंट को देखने के लिए कि फुलफिल हो रहे हैं, हर कंट्री उसे फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, कहीं उसे कोई ब्रीच तो नहीं कर रहा। इसके लिए था आपका कस्टम वैल्यूएशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है आपका प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। अब आपका जो कोई प्रोडक्ट आप दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको उसमें क्या होता है कि एक्सपोर्ट से पहले उसका एक शिपमेंट इंस्पेक्शन होता है कि उसे चेक किया जाता है कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या क्या प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज में भेज रहे हैं। आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं दूसरी कंट्री में वो लीगल भी है हमारी ट्रेड की नज़र में या नहीं। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, जिनकी गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती,
तो नॉर्मली उसी लिए होता है। और अगर आप, हो सकता है कि आपने एक्सपोर्ट करा दूसरी कंट्रीज में, आपके पास आपने इंस्पेक्शन करा, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी थी, प्रोडक्ट भी ठीक था, दूसरी कंट्री बोले कि हमारे पास तो आपने ख़राब प्रोडक्ट भेज दिया या फिर आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो भेजा, उन तरह के डिस्प्यूट्स के लिए होता है हमारा प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। तो इसमें देख लेते हैं, वी चेक द प्रोडक्ट क्वालिटी क्वान्टिटी एंड डिस्क्रिप्शन बिफोर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। किस हम चेक करते हैं कि हमारे गुड्स की क्वालिटी कितनी है, उनकी क्वान्टिटी कितनी है, और जिस तरह का डिस्क्रिप्शन उसका उन्होंने दे रखा है वो प्रोडक्ट उसी के हिसाब से है या नहीं है। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंट्रीज। अब प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है ये हर कंट्रीज के लिए मैंडेटरी हो चुकी है। एन इंडिपेंडेंट रिव्यू प्रोसीड्यूर्स टू रिजोल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द प्री शिपमेंट एजेंसीज एंड एक्सपोर्टर इज टू बी एस्टेब्लिश्ड। अब जैसा कि आपको पता है एग्रीमेंट तो हो गए, लेकिन उन एग्रीमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो, क्योंकि एक WTO अकेला ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ पे नज़र रख सकता है। तो हर चीज़ के कह सकते हैं कि उसने एक काउंसिल्स बना दी है या एक डिपार्टमेंट बना दिया है जो उससे रिलेटेड उनके डिस्प्यूट्स को सोल्व करेगा। कंट्रोल इलीगल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स। जैसा हमने बात किया था कि जब हम हर चीज़ को चेक करके भेजेंगे, इंस्पेक्शन करके भेजेंगे, तो हमारी कंट्री से ऐसा कोई प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में या दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में नहीं आ पाएगा जो कि गवर्नमेंट या WTO की नज़र में इलीगल है। अब देखते हैं हम रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन होता है कि किसी प्रोडक्ट का ओरिजिन किस कंट्री में हुआ है या प्रोडक्ट की नेशनलिटी। जैसा आप हैं इंडियन हैं, मैं इंडियन हूँ, अदर कंट्री का चाइना की बात पर्सन की बात करें तो चाइनीज़ हैं, अमेरिकन की बात करें तो अमेरिकन हैं। तो हर किसी की एक नेशनलिटी होती है, एक राष्ट्रता होती है। इसमें क्या मतलब होता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल ऑफ ओरिजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ड्यूटीज एंड रेस्ट्रिक्शंस इन द सेवरल केसेस डिपेंड अपॉन देयर कंट्री। द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड सम प्रोडक्ट कंट्री प्रोडक्ट आर फ्री इन ट्रेड। तो जैसा कि आप इसमें मैंने डायग्राम में दिखा रखा है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो फ्री ट्रेड होता है हमारा, इसमें कोई रेगुलेशंस नहीं है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी फ्री ट्रेड होता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें हम 20% कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं। ये डाटा सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ये कि 20% कस्टम ड्यूटी। तो ऐसा क्या करेगा, अब पाकिस्तान अगर डायरेक्ट हमसे ट्रेड करता है तो उसे 20% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान क्या करेगा इस कंडीशन में, वो अपने प्रोडक्ट को पहले चाइना भेजेगा, क्योंकि उनका तो फ्री ट्रेड है, उसे कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, और चाइना के थ्रू इंडिया भेज देगा। तो उसने क्या करा, जो वो इंडिया के साथ ट्रेड करके 20% उसे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती, वो चाइना के थ्रू हमें एक्सपोर्ट करके उस कस्टम ड्यूटी को बचा सकता है। या फिर यूँ कहें कि ऐसी कुछ कंट्रीज़ है जिन्हें हमने बैन कर रखा उनके प्रोडक्ट्स को, वो दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू हमारी कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकती थी। तो इन्हीं रूल्स को बचाने के लिए, रोकने के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन को लाया गया कि जो प्रोडक्ट्स अगर किसी कंट्री से आ रहा है तो आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, उसकी ओरिजिन नेशन कौन सा है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीड्यूर्स एग्रीमेंट। इसमें क्या था, जब आप एग्रीमेंट लेते हैं या आपका जो गेट से पहले जो प्रोसेस था एग्रीमेंट लेने का, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था, बहुत कह सकते हैं बहुत हैक्टिक प्रोसेस था, या बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया करता कि आपको किसी चीज़ का लाइसेंस लेने में। तो इन्होंने कहा कि अब जो हम लाइसेंसिंग होगी उसको एक पहले के कंपैरिजन इजी और सिंपल बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, जिससे कि कोई भी उसका लाइसेंस आसानी से ले सके। इट हेल्प्स डैट ओनली गुड्स लीगली गुड्स एंटर एंड द कोटा लिमिट आर नॉट एक्सीडेड। सफिशेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी पब्लिश्ड बाय द इंपोर्टिंग कंट्रीज ऑन विच बेसिस लाइसेंस इज ग्रांटेड। जिसमें कहा कि जब आप लाइसेंस लेते हो तो आपको पब्लिश करना पड़ेगा, या एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पब्लिश करना पड़ेगा ऑर्डर के ऊपर कि आपको लाइसेंस किस चीज़ के लिए दिया गया था और आप किस किस चीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, जिस चीज़ का आपके पास लाइसेंस। मतलब यही था कि आप अगर लाइसेंस लेते हो तो आपको पूरा डाटा देना पड़ेगा कि आप लाइसेंस क्यों ले रहे हो और आपका उससे क्या करोगे, किन किन प्रोडक्ट्स के लिए आप लाइसेंस ले रहे हो, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन कि आपकी ओरिजिन क्या है, आप किस किस प्रोडक्ट में डील करते हो, ये सब कुछ। अब पहले जो लाइसेंस लेने का टाइम था कोई वो फिक्स नहीं था, कई बार 6-6 महीने लग जाया करते या कई बार मिलता ही नहीं था। लेकिन अब जो टाइम पीरियड इसको उन्होंने कंसीडर करा है कि अगर आप आज अप्लाई करते हो लाइसेंस के लिए तो विद इन 60 डेज के अंदर आपकी अप्लीकेशन को कंसीडर कर लिया जाएगा। इफ़ एनीवन चेंज देयर लाइसेंस
procedures, then it compulsory to notify the committee of import license, which will then publish them within 21 days. अगर कोई कंट्री अपने लाइसेंस जो प्रोसीड्यूर्स होता है उसे चेंज करती है, हो सकता है कि हम इंडिया में रह रहे हैं और हमें दूसरी कंट्री से लाइसेंस चाहिए वहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं लाइसेंसिंग के, तो इसमें ये कहा गया कि अगर कोई कंट्रीज अपने लाइसेंस के रूल्स प्रोसीड्यूर्स को चेंज करती है तो उसे WTO को तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा उस कमेटी को, जिससे वो उनके चेंज रूल्स के बारे में अदर कंट्रीज मेंबर्स को बता सकें या उस चेंज को पब्लिश कर सकें। नेक्स्ट आता हमारा सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। अब क्या होता है देख लेते हैं। कंपटीशन में बी अनफेयर इफ एक्सपोर्टेड गुड्स बेनिफिट फ्रॉम सब्सिडीज। द एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज ऑन काउंटरवेलिंग मेजर्स इनेबल्स द कंट्री टू लिव ए कंपनसेटरी ड्यूटीज ऑन देयर इम्पोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स डेट आर बेनिफिटिंग देयर सब्सिडीज। दीज ड्यूटीज आर नोन एज काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। अब हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट, इसमें क्या था कि आप देखते हैं इंडिया में जो टॉयज़ का हम कह सकते हैं यूज़ कर सकते हैं या टॉयज़ की जो खपत है वो 90% चाइना से होती है, तो ऐसे में चाइना क्या करे कि जो उसका प्रोडक्ट है उसकी कंट्री में 100 rupees का प्रोडक्ट है और हमारी कंट्रीज में उस प्रोडक्ट को ला के 80 rupees पे सेल करे, क्योंकि तो हमारे में सस्ता मिलेगा तो हम उसको ज़्यादा परचेज करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे। ऐसी कंडीशन में हमारी कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि इंजरी का काम करेगा या उनके सेक्टर्स को ख़त्म कर देगा या अपनी पूरी मोनोपोली क्रिएट कर लेगा हमारी कंट्री में उस डिमांड में। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी दूसरी गवर्नमेंट के थ्रू दी गई सब्सिडीज़ किसी प्रोडक्ट पे किसी दूसरी कंट्री के कह सकते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करे या उनके लिए एक तरह से इंजरी का काम करे, तो उन चीज़ों पर हम लगाते हैं अपनी काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़। ये क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ये उसको प्राइस उतना फिर से बढ़ा देती है जितना कि वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे सब्सिडी दी है। अंडर दिस एग्रीमेंट अ कंट्री कैन यूज अ WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीड्यूर्स टू सीक द विथड्रॉल ऑफ द सब्सिडी और रिमूवल ऑफ इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन कंट्री। हाँ, तो इसमें ये बात कही गई है कि अगर किसी कंट्री को लगता है कि किसी अदर कंट्रीज़ के थ्रू उसे जो सब्सिडी दी गई है वहाँ के प्रोडक्ट्स को, जो हमारी खुद की कंट्री में आके हमारी डोमेस्टिक कंट्री को या हमारी डोमेस्टिक मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हम WTO में जा सकते हैं, वहाँ सेटलमेंट्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर वो चीज़ साबित हो जाती है कि किसी दूसरी कंट्री की वहाँ के एरिया को या वहाँ की यूनिट को दी गई सब्सिडी किसी दूसरी कंट्री को इफेक्ट कर रही है, तो उसे हटाने का ऑर्डर देता है या दे सकता है। देखते हैं सेफगार्ड्स। सेफगार्ड आप नाम से समझते होंगे कि ऐसा कोई भी तरीका, ऐसा कोई स्टेप जो आपकी खुद की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट अदर कंट्रीज से। WTO मेंबर्स मे बी टेक अ सेफगार्ड एक्शन इज प्रोटेक्ट अ स्पेसिफिक डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम एन इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट विच इज़ कॉजिंग सीरियस इंजरी टू द इंडस्ट्री। अब हो सकता है कोई इंडस्ट्री आपकी कंट्री में अभी ग्रोथ होनी शुरू हुई हो या अभी वो स्टार्ट हुई हो इंडस्ट्री आपकी कंट्री में, और उसी टाइम दूसरी नेशंस की अदर कंट्रीज की कंपनी सेम प्रोडक्ट को आपकी कंट्री में लिमिट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, तो क्या होगा? आपकी कंट्री की जो इंडस्ट्री जो अभी शुरू हुई थी वो डेवलप होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में कुछ डोमेस्टिक या स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर हम सेफगार्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री को या ग्रोथ को ख़त्म कर रहे थे, लेकिन इसके लिए हमें उन्हें एग्जैक्ट रीज़न देना होता है। और एक ये नहीं कि आप किसी भी इंडस्ट्री पर लगा सकते हैं इसे, ये कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर से लगाया जाता है, या कह सकते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर हम बैरियर्स या सेफगार्ड लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पहले सिर्फ हम गुड्स की सप्लाई किया करते हैं, गुड्स का ट्रेड किया करते हैं, तो फर्स्ट टाइम इसी एग्रीमेंट के थ्रू सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसमें क्या क्या था कि अब आप अगर किसी दूसरी कंट्रीज़ के साथ प्रोडक्ट मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ कोई आपका सर्विस सेक्टर ट्रेड करते हैं तो आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे बिल्कुल भी, जैसा आप अपने होम कंट्री के सर्विस सेक्टर्स को ट्रेड करते हैं उसी तरह आप अदर कंट्रीज़ के सेक्टर्स को ट्रेड करोगे। और इसमें नॉर्मली कौन कौन से सर्विस सेक्टर को ऐड किया गया था? बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, या इन तरह के सर्विस सेक्टर को इसमें एग्रीमेंट में जोड़ा गया था। इससे पहले इन सभी का ट्रेड
पॉसिबल नहीं था, या अगर पॉसिबल था तो इनके रिलेटेड कोई रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज नहीं थी, अगर आपको कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए कोई कमेटी भी नहीं थी जो उसको सॉल्व कर सके। अब आता है हमारा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है कि गाइस वीडियो लंबी हो चुकी है काफ़ी, तो कुछ ही पॉइंट्स बचे हैं क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, तो जल्दी हम उन्हें ख़त्म कर लेते हैं। ध्यान से पढ़िए, सब नाम से देख सकते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो हमारा इससे पहले क्या था कि हम जितने भी ट्रेड करते थे वो सिर्फ गुड्स में होते थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम कोई ट्रेड नहीं करते थे। अगर ट्रेड करते भी थे तो हमारे पास ना प्रोटेक्शन थी, ना हमारे पास कहते कोई रूल्स रेगुलेशन या कोई अथॉरिटी थी उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो नॉर्मली हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है कि कॉपिंग पायरेसी जो आप देख सकते हैं चारों तरफ फैली हुई है, या आपका पेटेंट राइट, ये सब हमारे आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। लेकिन इससे पहले क्या था, इन्हें कोई भी आपके प्रोडक्ट को कॉपी कर लेता था, आपका ट्रेडमार्क यूज़ कर लेता था, या आपके डिज़ाइन को चुरा लेता था। तो इस एग्रीमेंट के आने के बाद हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई कि अब आपके ट्रेडमार्क को विदाउट आपके परमिशन कोई यूज़ नहीं कर सकता था। रूल्स बनाए गए, अगर कोई यूज़ करता भी है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, आपका जो डिज़ाइन है किसी चीज़ को करने का, आपका जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है या आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उस चीज़ को आपसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। आपके जो पेटेंट हैं, लाइसेंस हैं, वो कंपल्सरी कर दिए गए डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। और इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए कि आपका प्रोटेक्शन हो रहा है, अगर कोई आपके ट्रेडमार्क को यूज़ करता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को यूज़ करता है, या कोई आपके प्रोडक्ट की कॉपी करता है, तो इसके लिए क्या किया गया, एक काउंसिल बनाई गई जो थी आपके TRIPS, जिसे आप कह सकते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ काउंसिल, जिससे कि इन सभी चीज़ों को देखा जा सके और इन जो एग्रीमेंट में बात कही गई है, जो हमें प्रोटेक्शन दी गई है, उन सभी को क्लियर किया जा सके। हमारा आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट। डिस्प्यूट सेटलमेंट गेट से पहले हमारा क्या था कि बहुत वीक था, या कह सकते हैं कि उसे अदर कंट्रीज़ ब्लॉक कर दिया करती थी जो इनके डिस्प्यूट सेटलमेंट्स के डिसीजंस हुआ करते। लेकिन इसके बाद इस एग्रीमेंट में ऐसी बात करी गई कि अब हमें एक ऐसे डिस्प्यूट सेटलमेंट की, ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो चारों तरफ कह सकते अदर कंट्रीज़ में एलिजिबल हो, या उनको फोर्सफुली वो हर जगह अप्लाई हो सके, ये ना हो कि कोई कंट्रीज ना माने। तो इसमें यही कह सकते हैं कि एक नया सिस्टम की शुरुआत की गई डिस्प्यूट सेटलमेंट्स के लिए, कि जो अदर कंट्रीज़ को फोर्सफुली कंबाइन कर सके, उन्हें उस रूल्स को मानना ही पड़े जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी के थ्रू आते हैं। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, अब ये हमारा कह सकते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का लास्ट पॉइंट था कि अब आपने इतने सारे ट्रेड्स बना दिए, आपका एग्रीकल्चर है, क्लोथिंग है, आपका एंटी डंपिंग है, या आपका सेफ गार्ड है, तो आपके इन सबको रूल्स रेगुलेट या गाइड कौन करेगा कि इन सभी को अदर कंट्रीज़ फॉलो कर रही हैं, ये स्मूथली रन कर रहे हैं, इनको ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई कंट्रीज़ इनको नेगलेक्ट कर रही हो, इग्नोर कर रही हो। तो इन सारे रूल्स को, एग्रीमेंट्स को एक तरह से कह सकते हैं रिव्यू करने के लिए ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म को डेवलप किया गया। ये तो हमारे थे अभी तक मल्टीलेटरल जो हमने पढ़े, क्योंकि वो थे वो WTO के हर मेंबर्स को मानने कंपलसरी थे, या कह सकते हैं अगर कोई WTO को साइन करता है तो वो उस हर कंट्री के ऊपर अप्लाई होंगे फोर्सफुली। अब कुछ हम देख लेते हैं प्लुरीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये वो ट्रेड एग्रीमेंट्स थे जो कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, ये आप पर अप्लाई हो, अगर आप इस पर साइन करते हो तो आपकी कंट्री में अप्लाई होंगे इसके रूल्स, अगर नहीं करते तो नहीं होंगे। या यूँ कह सकते हैं कि कोई स्ट्रिक्टली नहीं था कि आपको करना ही करना है, ये या आपके एक मेंबर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड था कि आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। उसमें पहला था कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट, नेशंस कैन नॉट फेवर देयर प्रोडक्ट अगेंस्ट फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक फॉरेन प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग सेम। तो इसमें यही बात कही गई है कि इसमें अगर आप करते हो तो आप अपने प्रोडक्ट्स को या फॉरेन प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रीट नहीं करेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है या अदर कंट्रीज का प्रोडक्ट है। आपकी कंट्री में अगर कोई इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो आप उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को उसी तरह ट्रीट करोगे जो आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को या डोमेस्टिक प्रोडक्ट को करते हो। दूसरा था आपका ट्रेड इन सिविल एयरक्राफ्ट। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या बात करी गई और ये कब आया, 1 जनवरी 1980 को स्टार्ट हुआ है। शुरुआत में इसके अंदर 21 सिग्नेटरीज थे, या कह सकते हैं 21 कंट्रीज़ थी, इस टाइम पे 32 कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं।
इसमें एलिमिनेशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन ऑल एयरक्राफ्ट अदर देन मिलिट्री। अब अगर आप एयरक्राफ्ट के पर्पस से या एयरक्राफ्ट के किसी पार्ट्स को या उनके इंजन्स को या ऐसे कोई कंपोनेंट्स को जिसको आप बाद में एयरक्राफ्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करते हैं, उन सभी के ऊपर से इम्पोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया, लेकिन सिर्फ जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट था या उनके पार्ट्स थे उनको छोड़कर। तो इसमें आपके कौन कौन से आता है, आपके सिविल एयरक्राफ्ट आते हैं, इंजन्स आते हैं और उनके कंपोनेंट्स आते हैं। थर्ड था आपका इंटरनेशनल डेयरी प्रोडक्ट्स। जैसा आप नाम से ही देख सकते हैं कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए इसे डेवलप किया गया था, 1 जनवरी 1980 को बनाया गया था और ये आपके हर तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स को कवर करता था। और उसका मेन क्या एम क्या था, कह सकते हैं कि इसे लाने का रीज़न क्या था, तो एम टू इंट्रोड्यूस ग्रेटर स्टेबिलिटी इन द मार्केट बाय सीकिंग टू लिमिट सरप्लस शॉर्टेज एंड लार्ज फ्लक्चुएशंस इन प्राइस। अब इससे पहले था किसी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है तो उसका वेस्ट हो रहा है, किसी कंट्री के पास प्रोडक्शन नहीं है तो उसको नीड भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसके थ्रू क्या गया, इसे ट्रेड में शामिल किया गया कि अब अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप उसे दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दो, अगर दूसरी कंट्री के पास नहीं है तो दूसरी कंट्रीज से वो इम्पोर्ट कर लेंगे प्रोडक्ट को। इसमें नॉर्मल दो पॉइंट्स पे फोकस किया गया था कि इम्प्रूव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन डेयरी प्रोडक्ट्स। जो डेयरी प्रोडक्ट्स में कोऑपरेशन था, सहयोग था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का या अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया उन्होंने इसको, और एस्टेब्लिश था इंटरनेशनल डेयरी काउंसिल, और इंटरनेशनल डेयरी काउंसिल को बनाया जो किसके अंदर काम करती है, WTO जनरल काउंसिल के अंदर। ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के लिए, ट्रेड इन मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क फैट एंड चीज़। जब आप कोई प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज में सेल करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो उसका जो प्राइस है वो मिनिमम सेट करा इन्होंने। ये नहीं है कि आप कोई भी प्राइस दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करो, और अगर आप प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज़ में भेज रहे हो तो उनकी क्वालिटी क्वांटिटी और स्टैंडर्ड भी इन्होंने ही इशू करें या कह सकते हैं जारी करें। फोर्थ पॉइंट आता हमारा, फोर्थ एग्रीमेंट है इसका, इंटरनेशनल बोवाइन एंड मीट प्रोडक्ट्स। कह सकते हैं कि जो बीफ से रिलेटेड या मीट से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट होते हैं जो उनका एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है, उससे रिलेटेड ये हमारा एग्रीमेंट था। यूरोपियन यूनियन एंड 27 सिग्नेटरीज वर ओरिजिनली नेगोशिएटेड ड्यूरिंग टोक्यो राउंड। टोक्यो राउंड जो था उसके अंदर 27 सिग्नेटरीज ने इसके ऊपर साइन करे यूरोपियन यूनियन ने के साथ। तो ये किसको कवर करता था, बीफ रियल एंड लाइफ कैटल सीक्स आर एक्सपेंडेड बट रेगुलेटेड मार्केटिंग मीट एंड लाइव स्टॉक। आपके बीफ को या आपके जो अभी जिंदा है कैटल्स को, मांसाहारी पशुओं को इसके अंदर जोड़ा गया कि जिनका नॉर्मली यूज़ मीट के लिए किया जाता था। और इसका भी एम क्या था, सेम एम है, प्रोवाइड इंटरनेशनल कोऑपरेशन की उसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं एक इंटरनेशनल लेवल पर उसे एक सहयोग दिया जाए इन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को, इनका बढ़ावा दिया जाए इनके बिजनेस को। और दूसरा पॉइंट हमारा, एस्टेब्लिश इंटरनेशनल मीट काउंसिल अंडर द गाइडेंस ऑफ WTO जनरल काउंसिल। तो इसकी भी एक कमेटी बनाई गई, एक काउंसिल बनाई गई जो इनके रूल्स रेगुलेशंस को चेक करे कि ये जो आप ट्रेड कर रहे हैं मीट और बीफ के अंदर वो इनके हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब देख लेते हैं कि इंडिया और WTO, कि इंडिया ने WTO क्यों यूज़ किया या क्यों उसमें सिग्नेटरी बना या क्यों उसमें पार्टिसिपेट किया या WTO के इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े। अब इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ WTO बिकॉज इफ इंडिया डू नॉट कम इन एग्रीमेंट ऑफ WTO देन इट सफर्स मैनी प्रॉब्लम। क्योंकि जब WTO आया 1995 में, इंडिया के पास ये तो नहीं था कि आपको फोर्सफुली आना ही पड़ेगा हमारी एग्रीमेंट में, लेकिन उस टाइम हमारी जो इकनॉमी थी ग्रोइंग इकनॉमी थी, हम डेवलप नेशन की तरफ बढ़ रहे थे, हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, हमारा ट्रेड बढ़ रहा था, तो हमें एक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए था जो हमारी पहुंच को अदर कंट्रीज में बढ़ाए। तो उसमें कुछ पॉइंट थे जो WTO हमने क्यों ज्वाइन करा, कि उसमें क्या बेनिफिट था। पहला पॉइंट था हमारा मल्टीलेटरल ट्रेड, कि हम अदर कंट्रीज़ के साथ या कह सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकते थे इस एग्रीमेंट के आने के बाद। दूसरा था हमारा रेस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड, WTO के जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनके साथ आप रेस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि जब WTO के आप मेंबर्स होंगे तो जो WTO रूल्स बनाएगा वो अदर कंट्रीज़ भी अप्लाई होंगे। वाइड रेंज ऑफ कंट्रीज़ फॉर ट्रेड, जब WTO के मेंबर्स बनेंगे तो नॉर्मली इसमें 160 प्लस कंट्रीज़ हैं, आप उन हर कंट्रीज़ के साथ बिना किसी डिस्प्यूट के बैरियर्स के ट्रेड कर सकते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, अब अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और आपका किसी का डिस्प्यूट होता है
तो आप उसे कैसे सोल्व करेंगे, या फिर कहेंगे सोल्व हो ही नहीं पाएगा, हमें लॉस होएगा ऐसा कुछ। लेकिन WTO के अंदर था डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जिनके लिए इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया या WTO का मेंबर बना। इंडिया शुड टेक मेज अपग्रेड टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेज देयर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। और इंडिया कह सकते हैं इनकी वजह से, WTO की वजह से या ट्रेड की वजह से अपने एग्रीकल्चर को और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करा या करना चाहिए था। तो थैंक यू गाइस, चैप्टर आपका ख़त्म होता है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड।